जिला प्रशासन ने जनपद के सभी तहसीलों में कोविड 19 अहेतुक सहायता आवेदन प्राप्त सेल की स्थापना किया है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोरोना की वजह से हो गई थी, उनके आश्रितों को प्रदेश सरकार के द्वारा 50,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए मृतक व्यक्ति का नाम और पता तथा कोविड जाँच की रिपोर्ट व मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आश्रितों का प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट नंबर लेकर तहसील में जाकर आवेदन कर दे, जिससे जल्द से जल्द पात्र व्यक्तियों के खाते में पैसा आ सके। उन्होंने कहा 5 दिन के अंदर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें, जिससे शासन द्वारा जनपद में अमुक्त 4,24,00,000 के धनराशि से भुगतान की कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ऐसे व्यक्ति जिनकी दुर्भाग्य से कोविड काल में कोविड पॉजिटिव होने से मृत्यु हो गई थी, उनके आश्रितों को राज्य सरकार के द्वारा 50,000 रुपये की अहेतुक सहायता दी जा रही है। इसके लिए सामान्य सा प्रारूप है कि जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम, उनका पता, कोविड जांच की रिपोर्ट, उनके मृत्यु का प्रमाण पत्र, आश्रितों का प्रमाण पत्र और आश्रितों का अकाउंट नंबर, ये सब आप तैयार कर लें, तहसील में चले जाएँ, वहाँ पर इसका आवेदन का प्रारूप उपलब्ध है, उसको भर करके आप तत्काल जमा कर दें, जिससे जल्दी से जल्दी जो पात्र लोग हैं उनके खाते में पैसा भेजा जा सके। सर कितने दिन तक आवेदन कर सकते हैं? आवेदन तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी कर देंगे, राज्य सरकार ने ये निर्देशित किया है कि अगले 4-5 दिनों में ही इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाए, अर्थात जो भी लोग हैं वो तत्काल इसका फॉर्म भरें और हम उसका पैसा उनके खाते में स्थानांतरित कर दें। धन्यवाद।